हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक का नाम है स्पर्मेटोरिया, जिसको आप हिंदी में धातु रोग के नाम से भी जानते हैं। धातु रोग बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर जो यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इस प्रॉब्लम के कारण क्या है, इसमें कौन कौन से हमें लक्षण देखने को मिलते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं जिससे ये प्रॉब्लम पूर्ण रूप से बॉडी से खत्म हो जाए, इसे भी आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि स्पर्मेटोरिया होता क्या है। स्पर्मेटोरिया जो होता है, एक पेशेंट इसमें एक्सपीरियंस करता है स्पॉन्टेनियस इजाकुलेशन विदाउट सेक्सुअल एक्टिविटी, बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के स्पर्म का बाहर निकल जाना, दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोरिया। स्पर्मेटोरिया को हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो कॉज रहता है, कारण रहते हैं, वो या तो फिजिकल हो सकता है या तो मेंटल हो सकता है। दोनों कारण जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन। सो स्पर्मेटोरिया को हम पैथोलॉजिकल कंडीशन से रिलेट करते हैं। मुख्यतः इसके दो टाइप देखे गए हैं, पहला जो होता है विथ ड्रीमिंग, दूसरा जो होता है विदाउट ड्रीमिंग। यानी कि पहले में जो इजैकुलेशन हो रहा है, यानी कि विदाउट सेक्सुअल एक्टिविटी जो इजैकुलेशन हो रहा है, स्पर्म बाहर निकल जा रहा है ड्रीम के साथ, यानी कि पेशेंट को सपना आ रहा है उसके साथ उसका इजैकुलेशन हो जा रहा है। दूसरा जो कंडीशन है विदाउट ड्रीमिंग, यानी कि सपना नहीं आ रहा फिर भी इजैकुलेशन हो जा रहा है, यानी कि विदाउट एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी की इजैकुलेशन हो जा रहा है और ड्रीम भी नहीं आ रहा। ये दो कंडीशन पेशेंट, खासकर जो अब क्लिनिक में आते हैं, ये दो कंडीशन काफ़ी कॉमनली उनमें देखा जाता है। स्पर्मेटोरिया की जब वैरायटी की बात करेंगे तो बहुत सारे कंडीशन उसमें डेवलप होते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन जो डेवलप होता है ये स्वप्नलोस, जिससे आजकल की युवा पीढ़ी काफ़ी परेशान रहती है। बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे बच्चों में, जो यंग जनरेशन है उसमें ये प्रॉब्लम काफ़ी धड़ल्ले से देखी जाती है और काफ़ी वो परेशान रहते हैं इस टॉपिक को लेकर, और थोड़ा सा ज्ञान का अभाव रहता है इसके कारण भी वो परेशान हो जाते हैं। कुछ इसके इम्पॉर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड, कि अगर स्पर्मेटोरिया की कंडीशन आपको मंथ में 2 से 3 बार डेवलप होती है, अगर 2 to 3 times अगर ये डेवलप होता है, डैट इज़ नॉर्मल कंडीशन, ये आपके बॉडी के लिए सही है, नॉर्मल है। लेकिन अगर एक हफ्ते में, 1 week में अगर 2 से 3 बार 4 बार अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होने लगे, इजैकुलेशन होने लगे, डैट इज़ बैड कंडीशन, ये आपके बॉडी के लिए एक बैड कंडीशन है और इससे आपके बॉडी को प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होने वाला है। क्योंकि अगर स्पर्म बाहर निकलते रहेगा, फ्रिक्वेंट इजैकुलेशन होते रहेगा, इसके दुष्प्रभाव जो आगे हम देखेंगे सिम्टम के रूप में कि कौन कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं, और सबसे जो पहला दुष्प्रभाव वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका मेंटल एस्पेक्ट डिटोरिएट होना शुरू होता है। सबसे पहला जो हार्म होता है आपका मेंटल एस्पेक्ट, आपका मानसिक अवस्था उससे प्रभावित होने लगती है। अब आते हैं लक्षण पे, लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है। पहला जो सबसे मैंने पहले ही बोला कि मेंटल एस्पेक्ट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, मानसिक अवस्था पे, या वो किसी एज का हो, कॉमनली ये यंग जनरेशन में देखा जाता है, लेकिन कोई भी एज, किसी भी एज में ये हो सकता है। तो मानसिक अवस्था सबसे पहले प्रभावित होती है। दूसरा जो कॉमन वहाँ पे लक्षण देखने को मिलता है, डैट इज डिजीनेस, बहुत ज़्यादा सुस्ती फील होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, कुछ पढ़ते हैं तो याद नहीं होता, क्योंकि मानसिक रूप से बहुत प्रभाव वहाँ पे पड़ चुका है। तीसरी जो कंडीशन डेवलप होती है बैक पेन, खासकर जो लंबर के पास, जो आपका सबसे नीचे का जो एरिया होता है लंबर रीजन, वहाँ पे पेशेंट पेन लेके आते हैं, और जब उनसे हिस्ट्री लिया जाता है तब ये जाके, क्योंकि पहली बार वो हिस्ट्री बताते हुए नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जब हिस्ट्री लिया जाता है तब समझ में आता है कि कॉज यहाँ पे छुपा हुआ है। चौथी कंडीशन जो सबसे कॉमनली देखी जाती है मसल क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब होता है ऐंठन जो होती है खासकर लेग में, पैर में बहुत ज़्यादा ये महसूस होती है। और नेक्स्ट कंडीशन जो सबसे कॉमनली डेवलप होता है इंसोम्निया, क्योंकि मानसिक रूप से इतना विचलित है पर्सन कि उसको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो बेचैन है, उसके प्रति चिंतित है, इसलिए उसकी नींद भी वहाँ पे उड़ जाती है, नींद भी वहाँ पे गायब हो जाती है। जब कारण की बात करेंगे तो सबसे जो पहला जो कारण है इमोशनल डिस्टर्बेंस, किसी तरह का इमोशनल डिस्टर्बेंस उसके साथ हुआ होगा, उस पेशेंट के साथ हुआ होगा, देन ये प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होनी शुरू होती है। डिप्रेस रहना, सैड रहना, ये भी वहाँ पे फैक्टर वहाँ से रिलेट किए जाते हैं। दूसरा जो सबसे जो मुख्य कारण इसमें है कि सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, यानी कि बार बार उसी चीज़ को सोचते रहना, उसी बात पे अपना दिमाग को बार बार उलझाए रखना, और गलत संगत, गलत सोच और गलत आदत, 3 चीज़ें इस बीमारी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं।
क्योंकि मन स्थिति आपका जैसा रहता है वैसा आपके इफेक्ट आपके बॉडी पे आता है। साइंस हमेशा हमेशा प्रूफ करता है इस चीज को, चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपकी बॉडी पे इफेक्ट आता है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सोचने से बीमारी आती है, वैसे भी हम बीमार पड़ ही जाते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपके पास पॉजिटिव सोचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके मन में बार बार निगेटिव चलते हैं तो आप उस निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना सीखें, क्योंकि मन पे आपने अगर लगाम लगा लिया, अपने अपने चिंतन पे, अपने थिंकिंग प्रोसेस पे आपने अगर लगाम लगा लिया तो आप बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। एक स्पर्मेटोरिया नहीं, आपके बहुत कैंसर तक की बीमारी आपकी एक थिंकिंग प्रोसेस के कारण डेवलप होती है। मन पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अगर इस बीमारी से आपको बचना है तो सबसे बड़ा मैनेजमेंट, मैं तो दवा बताऊंगा ही, लेकिन दवा के साथ साथ अगर आप मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी कभी नहीं जाने वाली। आप इस बात को नोट कर लें, क्योंकि मेडिसिन आपको हेल्प करती है। आपको ये बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है वो आपका खुद की आपकी सोच से आप उसको कन्वर्ट करना होता है। अगर आप सोचेंगे कि केवल मेडिसिन लेने से हो जाए तो ये भ्रम में ना रहें। आपको अपनी मन स्थिति चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये योगा करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। डिफरेंट एस्पेक्ट मैनेजमेंट के आपको अपनाने पड़ेंगे, तब जाके ये प्रॉब्लम आपकी खत्म होने वाली है। यहाँ पे ये थे मैनेजमेंट के पार्ट। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिससे आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। उसमें पहली जो मेडिसिन है नक्स वोमिका 30-40% का प्रयोग। अगर आपको इजैकुलेशन की प्रॉब्लम, यानी कि जो आपका विदाउट सेक्सुअल एक्टिविटी जो आपका स्पर्म बाहर निकल जा रहा है दिन के समय हो, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं उनका दिन में ही हो जाता, नाइट फॉल नाम दिया गया क्योंकि नाइट में प्रॉब्लम होती है इसलिए नाइट फॉल बोला जाता है। अगर ये डे टाइम होता है यानी कि दिन में ही हो जाता है तो उसमें नक्स वोमिका का प्रयोग आप करेंगे, 30-40% का प्रयोग करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम वहां से चली जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है विथ ड्रीमिंग। मैंने पहले बात की थी ड्रीम के साथ, यानी कि सपने में पेशेंट ने सपना देखा और उसका इजैकुलेशन हो गया। सपने के साथ अगर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में नक्स वोमिका आप वहाँ पे 30 का प्रयोग करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी। नक्स वोमिका आपका डे टाइम में भी है और अगर सपने के साथ ही प्रॉब्लम डेवलप होता है उसमें भी नक्स वोमिका बहुत इफेक्टिव वहाँ पे वर्क करती है। आपने देखा ड्रीम, विदाउट ड्रीम पे आते हैं। विदाउट ड्रीम में आपको डाइस्कोरिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन। अगर आपको जो इजैकुलेशन की प्रॉब्लम विदाउट ड्रीम हो रही है, बिना सपना देखे हुए अगर इजैकुलेशन हो जा रहा है उस कंडीशन में आप डाइस्कोरिया 30 का प्रयोग करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे चली जाएगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है ड्यूरिंग स्टूल और यूरिनेशन। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि वो बोलते हैं कि जब भी स्टूल जाते हैं, जब भी यूरिन पेशाब करने जाते हैं तो उनका स्पर्म बाहर निकल जाता है। उस कंडीशन में अगर आप, मैंने पहले भी इस मेडिसिन का जिक्र किया है, न्यूफर लोटियम का प्रयोग उस कंडीशन में करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम वहाँ पर चली जाएगी। न्यूफर लोटियम आप मदर टीचर में प्रयोग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इफेक्टिव साबित होती है। नेक्स्ट कंडीशन है जो सबसे जो कॉमनली आजकल देखने को मिलता है, यानी कि फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन, यानी कि एक हफ्ते में 2 से 3 बार 4 बार अगर इजैकुलेशन हो रहा है उस कंडीशन में आपको प्रयोग करना है नेट्रम फॉस 30 का प्रयोग करना है उस कंडीशन में। ये आपकी जो फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन की प्रॉब्लम वहाँ पर डेवलप हो गई है उसको वो वहाँ से खत्म करने में आपकी हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड फॉस 30 का प्रयोग करेंगे आप इस कंडीशन में कि अगर आपको एक दिन में ही 2 से 3 बार इजैकुलेशन हो जा रहा है, यानी कि एक दिन में ही अगर आपको 2 से 3 बार अगर आपको विदाउट एनी सेक्सुअल एक्टिविटी अगर इजैकुलेशन हो जा रहा है उस कंडीशन में आप एसिड फॉस 30 का प्रयोग करेंगे। एसिड फॉस क्या करेगा, आपकी जो डेबिलिटी है, जो उसके कारण वीकनेस डेवलप हुई है उस वीकनेस को भी खत्म करेगा और जो उसके कारण कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने वाले हैं उस कॉम्प्लिकेशन को भी खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा। ये सारे मेडिसिन थे जिससे आपके सिम्टम मैच होते हैं उस मेडिसिन का आप प्रयोग करेंगे। उसके साथ एक अश्वगंधा का मरे टिंचर आता है, अश्वगंधा मरे टिंचर का प्रयोग करेंगे तो ये क्या करता है, फंक्शनल लेवल पे जो चेंजेस वहाँ बॉडी में हुए हैं उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है और जो वीकनेस वगैरह है वो वीकनेस को खत्म करने में अश्वगंधा बहुत ज़्यादा आपकी वहाँ पर हेल्प करेगा। ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर इसके अलावा अगर आपके सिम्टम है और इसके अलावा अगर प्रॉब्लम आपको डेवलप हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखें, उसका जो भी मैं मेडिसिन होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको जरूर वहाँ पे बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें और जो भी इस प्रॉब्लम से परेशान है अगर आप इन चीज़ों को अगर समझ जा रहे हैं तो उनको भी समझाने की कोशिश करें, उनको भी वीडियो शेयर करें ताकि ये चीज़ें समझ आए। साइकोसोमेटिक डिजीज आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है अच्छा सोचने के सिवा, इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें इसको आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ये वीडियो यहीं तक, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी कोई अदर समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।